हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन की जिसे एक बार बनाकर आप बार बार बनाकर खाएंगे इतनी टेस्टी और इतनी जल्दी बन जाती है तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन लिया है उसे क्या किया है दो घंटे पहले मैं भिगो कर रखी थी और लहसन और हरी मिर्च लिया है प्याज और टमाटर है हरी मिर्च और लहसन को क्या करना है बारीक बारीक कूट लेना है दो प्याज को भी मैंने कट कर लिया है दो टमाटर लिया है उसे भी मैंने कट कर लिया है उसके बाद में क्या करना है गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख देनी है कढ़ाई को गर्म होने देना है उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल के यहाँ पे आपको टू टेबल स्पून डालना है ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है सोयाबीन जो है ऑयल बहुत ज़्यादा एग्जॉर्ब करती है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है बट ये जो रेसिपी है इतनी टेस्टी है आप एक बार बनाएंगे ना आपके बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा आप एक बार बनाएंगे तो आपसे सभी लोग कहेंगे कि बार बार बनाने के लिए इतनी टेस्टी है उसके बाद क्या करना है जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरा डाल देंगे तो यहाँ छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा डालना है जब जीरा तिड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज तो यहाँ पे प्याज को मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था तो प्याज़ डाल देंगे और प्या, प्याज को भी सॉफ्ट होने तक हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है और सॉफ़्ट भी हो गया है तो इसे दो तीन मिनट अच्छे से हम और फ्राई कर लेते हैं और थोड़ा सा चला लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए तो यहाँ पे प्याज़ अच्छे से फ्राई हो गई उसके बाद मैंने कहा था ना लहसुन और लहसुन और हरी मिर्च को कूट लेना है तो यहाँ पे मैं पहले से उसे कूट कर रखी थी उसके बाद में हम डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं बट कूट के डालने से अच्छा टेस्ट आता है अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखते हुए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फ्राई हो गई है आपको देख सकते हैं आप ये गोल्डन ब्राउन लग रही है लाइट गोल्डन हो गई है इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है उसके बाद में हम इसे टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी गलने तक फ्राई कर लेंगे उसके बाद में टमाटर में हम नमक डाल देंगे जैसे कि टमाटर जो है थोड़ा सा जल्दी से गल जाए तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा टमाटर में थोड़ा सा भी नमक डालने से टमाटर जो है बहुत जल्दी गल जाता है अगर आपको कोई भी रेसिपी बनाने में थोड़ी सी जल्दी लगी लगी तो आप नमक ऐड कर सकते हैं टमाटर में बिल्कुल जल्दी से वो गल जाता है ये खास ट्रिक है टमाटर को गलाने का दो मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखी थी उसके बाद में मैंने ऑन किया तो ये देख सकते हैं आप टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुका है तो इसे भी हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसके बाद जो सोया सोयाबीन है उसे मैं क्या करी थी मतलब बिल्कुल खड़ा खड़ा नहीं रखा था थोड़ा सा उसे मैंने ना क्रश कर लिया था जिससे कि क्या बिल्कुल खड़ा खड़ा ना रहे और रोटी के साथ में या चावल के साथ में खाने में बहुत टेस्टी लगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैंने इसे क्रस कर लिया है आप चाहे तो मिक्सर में घुमा सकते हैं अगर मिक्सर का जार थोड़ा छोटा हो ना तो ये इजीली घूम जाएगा अगर बड़ा हो तो नहीं घूमेगा तो आप क्या करें खल ले लें और वो कूटने वाला ले लें उसमें डाल के इसे कूट लें तो थोड़ी सी मेहनत पर लगती है मतलब अच्छे से कूट नहीं पाते हैं बट हो जाता है मैंने ऐसे ही किया था और उसके बाद में ढक के दो मिनट पका लेंगे उसके बाद में हमें इसे खुले में पकाना है तो इसे चलाते हुए पकाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है बिल्कुल धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है और ये बहुत अच्छे से हो गई है फ्राई तो मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ती उसके बाद में आप इसे रोटी के साथ में या चावल के साथ में सर्व करें ये बहुत ही टेस्टी लगेगी मैं इसे रोटी के साथ में सर्व कर लेती हूँ जो सोयाबीन की इसे आप सोयाबीन की सब्जी कह लें या आप चाहें तो इसे सोयाबीन फ्राई कह सकते हैं सोयाबीन भुर्जी कह सकते हैं मतलब ये इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अमेजिंग है बिल्कुल न्यू रेसिपी है आप एक बार ट्राई करना आपके बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा जो सब्जी खाने में या कोई किसी भी चीज़ की भुजिया खाने में बहुत नाटक करते हैं वो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है सोयाबीन so, yeah, बच्चों को खिलाना चाहिए बहुत ही अच्छा होता है उनके हेल्थ के लिए सो so, फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा मैं आपसे आप मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग